लेकर काफी कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि किराया बढ़ाया गया है, कोई कह रहा है कम किया गया है, एक्चुअल क्या संशोधन किया गया है, क्या स्थिति? ये जो संशोधन है ये 15 अक्टूबर को किया गया, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको देना चाहूँगा। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में 32 कैटेगरीज थे डिफरेंट लगेज आइटम्स के, तो ये जो संशोधन हुआ है ये मात्र एक कैटेगरी का हुआ, बाकी 31 कैटेगरीज अनअफेक्टेड हैं, सबसे पहली बात। अब मैं दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, ये कैटेगरी क्या है, कौन से आइटम्स इसमें इंक्लूडेड है? मेडिकल अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, होजियरी आइटम्स, ये सारे आइटम जो कमर्शियल पर्पस के लिए कई बार हमारे जिनमें हमारी बस की सर्विसेज कमर्शियल पर्पस के लिए उनकी बात होगी। तो फिर से बताना चाहूँगा, सिर्फ एक कैटेगरी और सिर्फ ये आइटम जिनकी मैंने बात की, इनमें संशोधन हुआ। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ, संशोधन क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमने इसके रेट्स कम किए। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे कम हुए, तो मैं इसको बताऊँ। हमारी जो HRTC की हर श्रेणी के लिए दो कैटेगराइजेशन, विद पैसेंजर विदाउट पैसेंजर। पहले मैं विदाउट पैसेंजर की बात करता हूँ। पहले संशोधन से पहले 0 से 40 kg से अगर ये इनमें से कोई भी आइटम्स थे जो मैंने पहले आपको बोले कैटेगरी नंबर 26 में, तो आपको 0 से 40 kg के लिए आपको एक टिकट देना पड़ता था। सपोज आपने यहां से दिल्ली सामान भेजना है एंड लेट से इट इज 2 kg और इट इज 40 kg, आपको सेम प्राइस लगता था। हमें फीडबैक आया कि सर इसको आप काइंडली इसमें संशोधन कीजिए, क्योंकि यदि मैं 2 kg का सामान भेज रहा हूं और या फिर मैं 40 kg, इसमें अंतर है। हमने उसको तर्कसंगत माना और हमने इसमें ये संशोधन किया कि 0 to 5 kg दाम 1 ticket price से हमने 1/4 मतलब 1/4 पे। फिर हमने बोला 5 kg से 20 kg जो पहले 1 ticket price था उसको हम आधे पे लाए, तो दाम तो नीचे ही गिराए ना, 1/4 कर दिया, हाफ कर दिया। हाँ, और उसके बाद जो हमारा 20 kg से जो 40 kg का था वो हमने उतना ही रखा, राइट। सो ये जो संशोधन हुआ है, रेट गिरे हैं, किसके फेवर में गिरे हैं, जो लोग छोटे छोटे आइटम भेज रहे थे, तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। रही बात विद पैसेंजर की, विद पैसेंजर में 0 to 40 kg आधा टिकट लगता था, हमने उसको 0 to 5 kg की जो श्रेणी थी, क्योंकि कई बार छोटा आइटम अगर कोई कमर्शियली भी ले जा रहा है, कमर्शियली सिर्फ इन आइटम्स के, उसको हमने 1/4 किया। सारे रेट्स को जहां पर भी संशोधन हुआ वो रेट्स कम किए गए। अब जिस पे कंफ्यूजन बहुत हुई लोगों को, उसमें ये थी कि हाउस होल्ड आइटम्स, जैसे कि कोई बच्चा अपने बैग के साथ जा रहा है, कोई लेडी अपना हैंडबैग ले जा रही है, वो तो आपके पर्सनल आइटम्स हैं। अगर आप हमारी पॉलिसी के आइटम नंबर 24 देखेंगे उसमें वो कवर्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो तो फ्री है। और मतलब थोड़ी लॉजिकल सी भी बात है कि स्टूडेंट्स को हम फ्री दे रहे हैं, तो क्या हम बैग कैरी करने के लिए चार्ज करेंगे? मतलब बात ही तरसंगत नहीं है ना। और महिलाओं को अगर हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या उनका हैंडबैग के लिए हम उनको चार्ज करेंगे? तो मतलब मैं बस ये स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ, कन्फ्यूजन हुई थी उसको हमने कल भी सोशल मीडिया पे क्लैरिफाई किया, हमने अपने प्रेस नोट में भी क्लैरिफाई किया, और हम फिर से अब आपके चैनल्स के माध्यम से भी ये क्लैरिफिकेशन देना चाहते थे, ये हमारा मकसद। उसमें सर एक ये भी कंफ्यूजन है कि वो डिसाइड कैसे होगा कि ये कमर्शियल पर्पज से ले जा रहे हैं, जैसे कोई बैग के अंदर ले जाता है, उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है लोग। बिल्कुल सही बात। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। पहले ये मुद्दा उठा था लैपटॉप के केसेस में। हमें पता है आप लोग सब ट्रैवल करते हैं, अगर आप एक लैपटॉप कैरी करेंगे तो वो आपका होगा, दो लैपटॉप कैरी करेंगे वो भी आपका, आपको चलो अंडरस्टैंडेबल यू आर कैरिंग टू लैपटॉप्स, पर अगर कोई आदमी 10 laptops कैरी कर रहा है क्या वो कमर्शियल नहीं है? थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली है फील्ड लेवल पे, पर हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने ये पाया कि कई जगह जो रेवेन्यू HRTC की जो नेटवर्क इतना डीप है कि हमारी जो सर्विसेज ना बहुत जल्दी हिमाचल के डिफरेंट कोने से मेजर सेंटर्स में पहुंच जाती हैं सामान, तो इसलिए हमने सोचा हमारी कुरियर सर्विसेज को बहुत यूज किया जा रहा था, इसलिए हमने इसको इस रेवेन्यू को भी, क्योंकि हमको रेवेन्यू तो बढ़ाना है डिफरेंस, इसको हमने इसलिए हम लाए। हमने ये भी पाया कुछ लोग
कुछ उदाहरण थे जिसमें एक पैसेंजर को लोग बोले कि यार आप मेरा सामान प्लीज कैरी करिए, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा सा HRTC के फेवर में नहीं था। तो हमने सोचा कि अपना रेवेन्यू अगर हमें बढ़ाना है तो हमें वो करना होगा। दिवाली का फेस्टिवल है सर, पूछे एक HRTC एक्स्ट्रा बसेस ला रहा है, कितनी बसेस ला रहे हैं, कहाँ कहाँ से सुविधा मिलेगी? तो हर साल की तरह HRTC, जैसे कि 31st को दिवाली है तो 29th और 30th को हम स्पेशल लगभग ऑलमोस्ट 100 बसेस दिल्ली और चंडीगढ़ से अपने डिफरेंट जिलों को, अपने सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स को चलाते हैं। और फिर दिवाली के बाद एक दिन बाद 2nd-3rd को हमारी रिवर्स सर्विसेज भी उतनी। सर एक इससे अलग हटके सवाल, अगर कोई हैंडीकैप्ट है सरकारी एम्प्लॉय तो क्या उसको HRTC की बस सेवा में यहाँ पर यात्रा शुल्क मिलेगी, क्या क्राइटेरिया? अभी तक प्रैक्टिकली तो ये बात है कि अगर कोई आदमी स्पेशल नीड्स वाले हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हैं या नहीं है, तो हम उनको हमेशा हमारा जो पॉलिसी बाकी लोगों पे है वही पॉलिसी उन पे भी अप्लाई।